दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर मायावती की पार्टी बीएसपी का बड़ा ऐलान, विधानसभा चुनाव में किसी भी पार्टी से गठबंधन नहीं करेगी बसपा। पार्टी महासचिव सतीश चंद्र मिश्रा का बयान, अकेले ही चुनाव लड़ेगी बीएसपी, तो छोटी या बड़ी किसी भी पार्टी से कोई समझौता नहीं करने का किया ऐलान। सतीश चंद्र मिश्रा का दावा, ओवैसी की पार्टी AIMIM से कतई कोई समझौता नहीं हो सकता। सभी को बताए ओवैसी यूपी में किसके कहने पर आ रहे हैं, ये कहना है सतीश चंद्र मिश्रा का। ओवैसी यूपी में क्या करना चाहते हैं ये जानकारी सभी को है। तो ओवैसी या किसी भी पार्टी से कोई समझौता नहीं होगा, गठबंधन का बीएसपी का अनुभव काफी खराब रहा है। समाजवादी पार्टी से समझौते की बात को याद नहीं करना चाहती पार्टी, सिर्फ गठबंधन करके ही सरकार नहीं बनाई जा सकती। तो बीएसपी 2007 में अकेले चुनाव लड़कर सरकार बना चुकी है, 2007 की तर्ज पर ही बिना किसी गठबंधन के अकेले चुनाव लड़ेगी पार्टी। गठबंधन करके यहाँ की जनता के साथ, यहाँ के आवाम के साथ, यहाँ के सर्व समाज के साथ, उसके साथ गठबंधन करके चुनाव लड़ रही कि हम नहीं, तो सभी लोगों को मालूम है कि वो उनको कौन यहाँ लेके आया है। आप जिनका नाम ले रहे हैं, जिस पार्टी का नाम ले रहे हैं, वो किसके वजह से यहाँ पर चुनाव लड़ रहे हैं ये सबको मालूम है। और हम लोग चुनाव अपने दम पे लड़ेंगे, हम लोग किसी के साथ गठबंधन नहीं करेंगे, चाहे वो ओवैसी की पार्टी हो या किसी अन्य की पार्टी हो, हम लोग गठबंधन नहीं करेंगे। वहीं सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के अध्यक्ष ओपी राजभर ने एक बार फिर से चुभने वाला बयान दिया है। वाराणसी में महिला सम्मेलन को संबोधित करते हुए राजभर ने भाजपा पर निशाना साधा तो सारी मर्यादा को ही ताक पर रख दिया। ओपी राजभर ने मंच से महिलाओं से कहा कि अगर भाजपा के नेता उनसे वोट मांगने आए तो उनकी हालत ऐसी कर दो कि वो आए तो दो पैर पर चलकर लेकिन लौटे तो चारपाई पर। रिजर्वेशन नौकरी में लागू करो, राजनीति में लागू करो, लोकसभा विधानसभा में लागू करो, तब वोट मांगने आना, नहीं दोबारा आ जाओगे तो फिर यहां से जिंदा नहीं जा सकते। ओपी राजभर का ये विवादित बयान उनकी सियासत पर बड़े सवाल खड़े कर रहा है। ऐसा इसलिए है क्योंकि जिस तरह से ओपी राजभर भाजपा नेताओं को पीटने की अपील कर रहे हैं वो तमाम राजनैतिक मर्यादाओं को ताक पर रखने की तरह है। चलिए ना माने की हम आप भीतरा भीतरा ऐसा नहीं लोग का कुटाई करे के हम आए हो दो पैर से और जाओगे चार पैर से उठा के चारपाई से। ओपी राजभर ने ये बयान वाराणसी के भोजूबीर में आयोजित महिला सम्मेलन में दिया, जहां पर महिला सुरक्षा और महिला आरक्षण के मुद्दे पर अपनी बात रखते हुए वो तमाम हदें भूल गए। इधर देखा जाए नेता ओके बैठा के पानी पिया के चाय पिया के उसे पूछा कि नेता कैसे, जब वो कहे कि वोटे बदे तो उसे कहा था 50% महिलाओं को रिजर्वेशन नौकरी में लागू करो, राजनीति में लागू करो, लोकसभा विधानसभा में लागू करो, तब वोट मांगने आना, नहीं दोबारा आ जाओगे तो फिर यहाँ से जिंदा नहीं जा सकते। भले ही ये विवादित बयानों के जरिए सुर्खियों में आने का एक नया शगुफा हो, लेकिन ये तरीका विरोधियों के साथ ही राजभर के उन समर्थकों के लिए भी चुभने वाला है जो उनसे मुद्दे पर आधारित सियासत की उम्मीद करते हैं। इससे पहले सुभाषपा प्रमुख 5 साल में 5 CM और 20 डिप्टी CM बनाने का बयान देकर भी सुर्खियों में आ चुके हैं, लेकिन इस बार मामला पहले से बिल्कुल अलग है। ABP गंगा के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। तो यूपी के पिछड़ा वर्ग कल्याण मंत्री अनिल राजभर जी इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन से जुड़े हैं इस बड़ी और अहम खबर पर। अनिल जी, आपका स्वागत है एबीपी गंगा पर। बहुत स्वागत है, बहुत धन्यवाद आपका है, मैं आपके चैनल का भी आपके दर्शकों का भी स्वागत करता हूं। अनिल जी, सुभाषपा प्रमुख का एक बार फिर से चुभने वाला बयान आया है, आपने वो बयान सुना होगा, उन्होंने क्या कहा, इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? देखिए, ओम प्रकाश राजभर जिनको आजकल मैं असलम राजभर कहता हूँ, इनको आसमान के तरफ देखकर थूकने की आदत पड़ गई है, और जो आसमान के तरफ देखकर थूकता है उसका हश्र क्या होता है ये पूरी दुनिया जानती है, हर समझदार आदमी जानता है। अब कौन किसको अपने बस्ती से बाहर करेगा, 2022 में किसका क्या हश्र होने जा रहा है, बहराइच की धरती पर ओबैसी को ले जाकर देश के दुश्मन सैयद सलार मसूद गाजी के मजार पर चादर चढ़ाकर
राजभर समाज का अपमान करने वाले महाराजा सुहलदेव राजभर जी का अपमान करने वालों का हश्र आप 2022 में देखते रहिए। ये ऐसे लोग हैं जिनको आज की तारीख में कोई गंभीरता से नहीं लेता है। ये अपने अस्तित्व को बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं और फ्रस्ट्रेशन में सड़क छाप बात करने की इनको आदत हो गई है। ऐसे लोगों के बारे में हम लोग क्या बात करें जी। लेकिन जनता है, सब जानती है किस तरह की बयानबाजी चुनाव के दौरान होती है। कहीं ना कहीं सभी राजनीतिक दल इस तरह के हथकंडे अपनाते हैं जब जो इस स्तर से नीचे गिरकर जो है बयान दिए जाते हैं। लेकिन आप क्या कहेंगे, जिस तरह से बयान दिया गया है, क्या लोग जो है इस तरह के बयानों का विरोध करेंगे या कहीं ना कहीं इस तरह की बयानबाजी से जो है नुकसान होगा? इस तरह की सस्ती बात करने वालों को और ऐसे लोगों की राजनीति की जो दुकान अपने समाज को गुमराह करके चल रही थी, धोखा देकर चल रही थी, ऐसे लोगों के राजनीति की दुकान को पूरी तरीके से बंद करने का फैसला समाज ले चुका है। ऐसे लोगों का हश्र बहुत बुरा होने वाला है। हम लोग तो कभी गंभीरता से नहीं लेते, ना ही जनता गंभीरता से लेती है जी। आप 2019 में भी देखे होंगे ये बड़बोलापन पूर्वांचल की धरती पर। इन्होंने कहा 2019 में कि पूर्वांचल में भाजपा अगर 2 सीट से ज्यादा जीत गई तो हम राजनीति से इस्तीफा दे देंगे। और आज पता नहीं कौन सा चेहरा लेकर आज घूम रहे हैं। तो ऐसे लोगों के बारे में हम लोग बहुत अपनी बात भी नहीं करना चाहते। ऐसे लोगों को जनता ने भी गंभीरता से लेना छोड़ दिया है। ऐसे लोगों के बारे में हम लोग क्या बात करें जी। अनिल राजभर जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस बयान पर प्रतिक्रिया देने के लिए। तो ये थे अनिल राजभर जी, हमारे साथ जुड़े हुए थे पिछड़ा वर्ग कल्याण मंत्री, जिन्होंने ओपी राजभर के बयान पर प्रतिक्रिया दी। फिलहाल खबरों में बढ़ेंगे आगे। भाजपा के प्रबुद्ध सम्मेलन पर कांग्रेस ने निशाना साधा। कांग्रेस प्रवक्ता अंशु अवस्थी ने कहा कि यह चुनाव के समय भाजपा का नाटक है, क्योंकि इस सरकार में ब्राह्मण समाज की उपेक्षा हुई है, जबकि कांग्रेस ने प्रदेश को 6 ब्राह्मण मुख्यमंत्री दिए। ब्राह्मण समाज को पता है ये बात कि असल में उनका जो परिवार है वो कांग्रेस ही है, जिन्होंने ब्राह्मण को उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री के रूप में 6-6 बार स्थापित किया। उत्तर प्रदेश की भाजपा सरकार जातिवादी है, जिसने ब्राह्मणों को सबसे ज्यादा प्रताड़ित करवाने का काम किया है, हथियारों को संरक्षण दिया है। आने वाले 2022 के चुनाव में ब्राह्मण समाज जातिवादी भारतीय जनता पार्टी की आदित्यनाथ सरकार की ताबूत में आखिरी खील ठोंकने का काम करेगा। उधर डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य वाराणसी पहुंचे और मीडिया से मुखातिब हुए कहा कि 2022 के चुनाव आएंगे तो बाकी दल गायब रहेंगे, भाजपा ही भाजपा दिखेगी। केशव प्रसाद मौर्य ने राकेश टिकैत पर निशाना साधा और कहा कि टिकैत के साथ कोई किसान नहीं है, साजिश के अंतर्गत राजनीतिक दलों का शिकार बन गए। देखिए मुंगेरी लाल के हसीन सपने श्री अखिलेश यादव जी ना देखें, वो बुआ भतीजे मिलकर के लड़ चुके हैं। अखिलेश जी, मायावती जी मिलकर के लड़ चुके हैं 2019 का चुनाव। सूपड़ा साफ हो चुका है, अभी वो एकजुट होकर लड़ने की तैयारी में नहीं है जो मुझे दिखाई दे रहा है। लेकिन अगर एक होकर के सपा बसपा कांग्रेस तीनों मिलकर के लड़े अमेठी का लोकसभा चुनाव, राहुल गांधी जी वहाँ प्रत्याशी थे, लेकिन वहाँ स्मृति ईरानी जी जीती थी। इसलिए वो जो ट्रैक्टर में चल रहे हैं वो मैं तो समझता हूं कि उनको ये फोटो खिंचवाने का शौक लग गया। यूपी में आगामी विधानसभा चुनाव को देखते हुए भाजपा ने कमर कस ली है। यही वजह है कि अब यूपी फतह करने के लिए भाजपा के दिग्गज मैदान में उतरने की तैयारी करने जा रहे हैं। इससे पहले दिल्ली में बड़ी बैठक होने जा रही है, जिसमें यूपी के सभी क्षेत्रों जैसे ब्रज, पश्चिमी कानपुर, अवध, काशी और गोरखपुर क्षेत्र को लेकर दिल्ली में हाई लेवल मीटिंग 28 और 29 जुलाई को बुलाई गई है, जिसमें सूबे के सीएम योगी आदित्यनाथ खुद मौजूद रहेंगे। इनके अलावा स्वतंत्र देव सिंह, सुनील बंसल, राधा मोहन सिंह बैठक में शामिल होंगे। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा भी बैठक में शामिल हो सकते हैं। बैठक में विधानसभा चुनाव की रणनीति पर चर्चा बनाई जाएगी। वहीं कानपुर के जीएसवीएम मेडिकल कॉलेज में रैगिंग का मामला सामने आया, जहां एमबीबीएस फर्स्ट ईयर के छात्र ने सेकंड ईयर के छात्रों के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई, जिसके बाद सेकंड ईयर के 3 छात्रों को सस्पेंड किया गया है।
वहीं मेडिकल कॉलेज प्रशासन मामले की जांच कर रहा है। मामला मोबाइल फोन से पीड़ित छात्र को धमकाने का है। डॉक्टर का कहना है कि मेडिकल कॉलेज नो रैगिंग जोन है और यहां किसी भी तरह की रैगिंग को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और अगर आरोप सही पाए गए तो आरोपी छात्रों पर कठोर कार्रवाई की जाएगी। के लड़के ने शिकायत करी एंटी रैगिंग सेल को दिल्ली में कि उसके साथ फोन पे अभद्रता की गई एक सीनियर छात्र के द्वारा। तुरंत सुबह 9 बजे हमें मेल मिली, हम लोगों ने 12-1 बजे के आसपास पूरी प्रधानाचार्य की अध्यक्षता में कमेटी गठित करके एंटी रैगिंग की मीटिंग में दोनों छात्रों को बुलाया गया। जब बृहद जाँच की गई 2-3 घंटे बाद निकल के आया कि जिस लड़के के नंबर से फ़ोन किया गया था उस लड़के को तो त्वरित कार्रवाई करते हुए अग्रिम फाइनल रिपोर्ट तक उसको सस्पेंड कर दिया गया है कक्षाओं से भी और हॉस्टल से भी। वहीं रायबरेली में कुछ दबंगों ने दिन दहाड़े अपने पड़ोसी के घर पर तोड़फोड़ की और इस दौरान इन्होंने घर के बाहर खड़ी गाड़ी पर लाठी डंडों से जमकर प्रहार किए। तोड़फोड़ का पूरा वीडियो वहां लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया। बताया जा रहा है घटना के पीछे चुनावी रंजिश है। मामला भदोकर थाना क्षेत्र के जगदीशपुर गाँव का है। ललितपुर से अगली खबर है जहां छेड़खानी का विरोध करने पर महिला के साथ दबंगों ने जमकर मारपीट करते हुए बर्बरता की। पूरा मामला बार थाना क्षेत्र के धमना गांव का है जहां आरोपियों ने महिला को ना सिर्फ बंधक बनाकर मारपीट की बल्कि लाइटर से चाकू को गर्म किया और फिर उसकी आंखों और आंखों की भौहों को जला दिया जिसके बाद महिला गंभीर रूप से घायल हो गई। महिला को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। घटना के 3 दिन बीत जाने के बावजूद पुलिस ने अब तक आरोपियों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की है। वहीं बरेली में लॉकडाउन के दौरान 24 किसानों के खातों से किसान सम्मान निधि की 28 लाख रुपए की गबन की घटना सामने आई है। मामला बरेली के मीरगंज स्टेट बैंक ऑफ इंडिया शाखा का है जहां तैनात मैनेजर कपिल कुमार ने 24 से ज्यादा किसानों के खातों से किसान सम्मान निधि के 28 लाख रुपए से ज्यादा की रकम अपने खातों में ट्रांसफर कर लिए। धोखाधड़ी का यह मामला सामने आने के बाद आरोपी मैनेजर को बैंक से हटाकर उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज करवा दिया गया है। भारतीय स्टेट बैंक के शाखा प्रबंधक श्री सौरभ त्रिवेदी ने एक FIR पंजीकृत कराई है जिसमें उन्होंने बताया है कि पूर्व प्रबंधक के विरुद्ध ऑडिट में कुछ आपत्तियां लगाई गई थी जिनके कारण जो है विभागीय कार्रवाई हुई थी और जांच में ये पाया है कि उन्होंने कई किसानों के जो किसान क्रेडिट कार्ड होते हैं उनके अकाउंट में जो पैसा गया था उन्होंने वो निकाल दिया है और ये पैसा अनियमित तरीके से निकाला गया है और जाँच में वो दोषी पाए गए। इसके संदर्भ में पूर्व जो बैंक मैनेजर थे कपिल कुमार के विरुद्ध 406-409 ICC का मुकदमा थाना मीरगंज में पंजीकृत। वहीं जालौन में BSA दफ्तर में तैनात एक क्लर्क को एंटी करप्शन ब्यूरो ने घूस लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार क्लर्क एक टीचर से सैलरी में एरियर लगाने के नाम पर 15,000 रुपए की मांग कर रहा था। पीड़ित टीचर ने 12,000 रुपए पर रजामंदी जताकर मामले की सूचना एंटी करप्शन ब्यूरो को दे दी जिसके बाद एंटी करप्शन ब्यूरो ने क्लर्क को 2,000 रुपए एडवांस लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। वहीं अमरोहा में कोतवाली पुलिस ने 25,000 के इनामी जालसाज सुखबीर को गिरफ्तार किया है। ये कोर्ट से जमानत कराने में फर्जी दस्तावेजों का इस्तेमाल करता था और मोटी रकम वसूलता था। पुलिस ने इसके कब्जे से 24,000 रुपए नकद और 5 मोबाइल फोन और कई सिम कार्ड्स बरामद किए हैं। अमरोहा नगर थाने की टीम के द्वारा और क्राइम ब्रांच के द्वारा एक 25,000 का इनामी बदमाश सुखबीर पुत्र मुख्तियार इसको गिरफ्तार किया गया है। यह गैंगस्टर धोखाधड़ी आबकारी अधिनियम और महिला संबंधी अपराधों के इस पर तमाम मुकदमे पंजीकृत हैं। पूर्व में 7 मुकदमे इस पर पंजीकृत रहे और 25,000 का इनाम इस पर घोषित था। वहीं बस्ती में पुलिस ने मुठभेड़ के बाद 25,000 के इनामी बदमाश घनश्याम समेत 2 को गिरफ्तार किया है। यह मुठभेड़ पैकौलिया थाना क्षेत्र के कठौतिया गांव के पास हुई। गोली लगने से दोनों गंभीर रूप से घायल हो गए। घनश्याम 9 मुकदमों में वांछित चल रहा था और पुलिस को काफी दिन से इसकी तलाश थी। वहीं RRB गोरखपुर बोर्ड के LP टेक्नीशियन के 2018 के प्रतीक्षा सूची के अभ्यर्थियों ने गोरखपुर के रेलवे स्टेशन स्थित भर्ती बोर्ड कार्यालय के सामने अर्धनग्न होकर प्रदर्शन किया। उनका आरोप है कि जब कई पदों पर भर्ती के लिए रेलवे बोर्ड की ओर से नोटिफिकेशन निकाला गया और 5 चरणों की प्रक्रिया को पूरा कर लिया गया तो उन्हें नियुक्ति क्यों नहीं दी जा रही। हालांकि रेलवे बोर्ड के अधिकारियों का तर्क है कि बोर्ड की ओर से 50% अधिक अभ्यर्थियों को बुलाया गया था। रेगुलर कैंडिडेट्स की
ज्वाइनिंग कराई जा चुकी है, लेकिन प्रतीक्षा सूची वाले अभ्यर्थियों को ज्वाइनिंग रेगुलर वालों के नौकरी छोड़ने पर ही करवाई जा सकती है। और अब खबर हरदोई से, जहां गांव के बाहर खेत में अधेड़ का शव मिलने से हड़कंप मच गया। पूरा मामला हरियावा थाना क्षेत्र के भटीने वादा गांव का है। शव की शिनाख्त लखीमपुर खीरी निवासी देशाटन करने वाले गेरुआधारी नन्हे स्वामी के रूप में हुई है। बताया जा रहा है मंसूर नगर गांव में चतुर्मास के लिए जाते समय संदिग्ध परिस्थितियों में वो लापता हो गए। अब 3 दिन के बाद शव मिलने से हड़कंप मच गया। उधर सपा सांसद आजम खान की रिहाई के लिए बिजनौर में एक सपा नेता ने राष्ट्रपति को अपने खून से खत लिखा है और आजम खान की रिहाई की मांग की है। समाजवादी युवजन सभा का सपा जिला सचिव अदनान राइन ने पत्र में लिखा कि सरकार ने आजम को जानबूझकर मुकदमे में फंसाकर जेल भेजा है, आजम बेकसूर है। श्रावण मास के मौके पर लखनऊ में श्री शिव महापुराण का अर्थ सहित प्रथम अध्याय के गायन का वीडियो यूट्यूब चैनल मेधज एस्ट्रो पर वर्चुअली रिलीज किया गया। इसे मेधज टेक्नो कॉन्सेप्ट प्राइवेट लिमिटेड के CMD डॉक्टर समीर त्रिपाठी ने गाया है। डॉक्टर समीर त्रिपाठी ने कहा कि महादेव की कृपा से ये सौभाग्य प्राप्त हुआ है जिससे भगवान शिव की महिमा जनमानस तक पहुंच सके। उन्होंने कहा कि मान्यता है कि इस समय भगवान विष्णु सभी देवी देवताओं के साथ पाताल लोक में 4 महीने के लिए विश्राम करने चले जाते हैं और भगवान शिव का सबसे प्रिय श्रवण मास शुरू हो जाता है। डॉक्टर समीर त्रिपाठी के मुताबिक श्री शिव महापुराण में 466 अध्याय हैं और हर दिन एक अध्याय के गायन का वीडियो यूट्यूब चैनल मेधज एस्ट्रो पर रिलीज होगा। शिव के उपासक इस पुराण को शैव भागवत मानते हैं। इस ग्रंथ के आदि माध्य